नाजरीन, ये हम बना रहे हैं जी रोल, मैकरोनी रोल। ये देखें, ये बहुत ही मज़े की बनते हैं। ये देखें, हल्का हल्का इसको फ्राई करें ताकि इनका कलर अच्छा आ जाए। बहुत तेज़ आंच पे, ये फिर तेज़ आंच पे ज़्यादा ही वो ब्राउन हो जाते हैं। और फिर ये नाजुक से रोल होते हैं, इनको तो हल्की आंच पे ही फ्राई करना चाहिए। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये देखें, मेरे रोल तैयार हो चुके हैं। ये देखें, मैकरोनी रोल तैयार हो गया। सो आपको कैसे लगे हमारे रोल? ये देखिए फाइनल लुक हमारे रोल की, कितने मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी कलरफुल गोल्डन गोल्डन हमारे रोल तैयार हैं जी। आप भी बनाएं और खाएं और रमज़ान का लुत्फ उठाएं और अच्छे तरीके से अपना इफ्तार करें और दुआओं में हमें याद रखें। सो हमारे रोल तो तैयार हो चुके हैं जी। अब हम बना रहे हैं जी दही भले। दही भले के लिए हमें चीज़ें चाहिए, प्याज बारीक कटी हुई, टमाटर एक दाना, हरा पुदीना, हरी मिर्च और दही चाहिए हमें। और दही में हमने ज़ीरा मिलाया है, उसके साथ हमें चाहिए ये उबले हुए आलू, और आलू के साथ हमें चाहिए ये दही भले। और अब हम जी इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने इसमें मिलाना है जी इन सारी चीज़ों को। ये जी गए इसमें, और उसके बाद हमने मिलाना है जी आलू। ये आलू हमने मिलाए, अब ये हमने मिक्स कर दिया है जी सारा मसाला। ये इसमें दही में प्याज टमाटर और हरा पुदीना और आलू उबले हुए और चाट मसाला, ज़ीरा, हसबे ज़ायका, ये हमने मिक्स करके ये दही भले का मसाला बना लिया है। अब ये दही भले का सारा जो है ना मसाला तैयार है, और अब हम इसमें दही भले डालते हैं। दही भले डाल के हम इसको रख देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाए। कुछ देर के लिए इसको यूं रख देंगे। और ये हमारे दही भले तैयार है। सो गाइस, ये हमारी दही भले और क्रिस्पी रोल तैयार हैं। तो आज आपको कैसी लगे हमारे दही भले और क्रिस्पी रोल? ये मैकरोनी वाले रोल हैं, और ये जो आपको नज़र आ रही है कचौरी, ये कचौरी हमने बाज़ार से ऑर्डर से मंगवाई है, और इसके साथ होती है चटनी वगैरह, चटनी होती है, केचप होती है, और तीन किस्म की तो चटनी होती है, इमली आलू बुखारे की भी चटनी होती है। बहुत ही टेस्टी यमी सी चटनी होती है इसके साथ। और ये देखें कचौरी इतनी मज़े की लग रही है, और ये हमने ऑर्डर पर मंगवाई थी। और आप भी बनाएं अच्छी अच्छी रेसिपी डेली की और शेयर करें, और इस तरह मैं भी अपनी घर की रूटीन और रोज़ की जो मेरी रूटीन और रेसिपीज़ हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कि आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ये रेसिपीज़ बनाते भी होंगे और मुझे देख के कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे। तो चले, दुआओं में आप सब हमें याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और आप सबको एक दफ़ा फिर रमज़ान का पांचवा रोज़ा मुबारक हो। अल्लाह पाक आपका ये रोज़ तमाम रमज़ान अच्छा गुजारे, और आपकी इबादतें दुआएं और रोज़े कबूल फरमाए। तो ये देखें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।